हेलो एवरीवन ये है पार्ट टू हमारे चैप्टर वन का शंकर आई के इसमें हम लोग इकोटोन के बारे में पढ़ेंगे तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को इकोलॉजी एनवायरमेंट और इकोसिस्टम में तो इकोलॉजी जो है लॉजी का मतलब होता है साइंस इको का मतलब होता है जो हमारा सराउंडिंग एरिया है है ना तो इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है रिलेशनशिप की हमारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बीच में और हमारे जो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके बीच में अब एनवायरनमेंट क्या है जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं ठीक है ठीके? कुछ भी है वो सॉइल है वाटर है प्लांट्स हैं एनिमल्स है ये सब कुछ हमारा एनवायरमेंट है और इकोसिस्टम क्या है इकोसिस्टम हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमारे एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप को बताता है जो भी कंडीशन है हमारे आसपास हमारी जो सर्कमस्टांसिस हैं उस रिलेशनशिप को बताता है हमारा इकोसिस्टम और जो इकोलॉजी है वो इकोसिस्टम से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है वो भी रिलेशनशिप को बताती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और जो हमारी सराउंडिंग एन्वायरमेंट है उसके बीच में मगर इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है वो एक साइंस है लॉजी का मतलब साइंस होता है वो एक साइंटिफिक स्टडी है इसलिए ठीक है अब हम आगे देखते हैं इको टोन को तो इको टोन जो है वो एक ऐसा जंक्शन है दो अलग डाइवर्स इको सिस्टम्स के बीच में मतलब जैसे कि टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम है एक तरफ देखिए फिगर देखिए एक तरफ है हमारा लैंड इको सिस्टम दूसरी तरफ हमारा आ रहा है एक्वाटिक इको सिस्टम तो इनका एक ट्रांजिशन जोन होगा मतलब लैंड से एक्वाटिक की तरफ जाते हैं या फिर एक्वाटिक से लैंड की तरफ जाते हुए जो बीच वाला एरिया है वो एक मार्चलैंड होता है दलदली एरिया होता है वो हमारा ट्रांजिशनल इको होता है उस ट्रांज़िशनल इको को हम लोग बोलते हैं इको टोन आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं देखिए इसमें इको आ रहा है इको तो ऑलमोस्ट इसमें हर चीज़ मैरिकोलॉजी ही है इस चैप्टर का नाम तो इसमें टोन आ रहा है ना टी टी से मतलब होता है ट्रांजिशन और ट्रांजिशन कब होता है जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से एक्वाटिक में जाते हैं या फिर आप ऐसे देखिए कि हम किसी एक से दूसरे इको के जब जाते हैं तो बीच में एक ट्रांजिशन का एरिया पड़ता है एक बीच में एरिया पड़ता है तो ट्रांजिशन टी और टोन भी टी तो टी, टी से आप याद कर सकते हैं तो टोन जो है एक जोन है या फिर जंक्शन है दो डाइवर्स इको के बीच का नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो जैसे हमने देख लिया कि दो टाइप का होता है एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हाँ टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड वाला जिसमें पानी का रिलेशन नहीं होता है जैसे कि हमारे जो जंगल होता है फॉरेस्ट होता है ग्रासलैंड होता है हमारा डेजर्ट होता है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है एक्वाटिक एक्वाटिक इकोसिस्टम जो पानी से रिलेटेड होता है जैसे कि हमारा फ्रेश वाटर हो गया सलीन वाटर मतलब खारा पानी मरीन वाटर जो है वो हमारा जो समुद्र वगैरह वाला जो पानी होता है वो मरीन वाटर में आता है तो हमने देख लिया इकोटोन क्या होता है एक ट्रांजिशनल एरिया होता है ट्रांजिशनल इको होता है जो लैंड इको या फिर एक्वाटिक इको या फिर दो इको के बीच का एरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं इकोटोन आप कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम की के करेक्ट्रिस्टिक्स में काफ़ी पूछी जाती हैं ये क्या होता है एक नैरो जोन होता है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है इकोटोन काफ़ी ज़्यादा नैरो काफ़ी ज़्यादा पतला जोन होता है और जोन ऑफ टेंशन होता है जोन ऑफ टेंशन इसलिए होता है क्योंकि करेक्टर्स चेंज हो रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा खींचा आनी है दोनों टाइप के स्पेशीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मान लीजिए जा टेरेस्ट्रियल से अगर आप एक्वाटिक में जा रहे हैं तो आपको टेरेस्ट्रियल वाले भी मिल जाएंगे एक्वाटिक वाले भी एनिमल्स मिल जाएंगे प्लांट्स भी इस टाइप के मिल जाएंगे तो एक जोन ऑफ टेंशन होता है और इसमें प्रोग्रेसिव इंक्रीज दिखता है स्पेशीज कंपोजिशन में मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स स्पेशीज होते हैं जो इकोटोन वाला एरिया होता है एक एज इफेक्ट होता है एज इफेक्ट का मतलब जैसे कि ये जो देखिए ये एज पे है ना एक दोनों सिस्टम्स के एच पे है एक के लास्ट में है और एक के स्टार्टिंग में है तो एच क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज जो स्पीशीज का नंबर होता है और पॉपुलेशन होती है पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है मतलब इस एच वाली एरिया में तो इसको हम बोलते हैं एज इफ़ेक्ट मतलब जिस एरिया में नंबर ऑफ़ स्पीशीज और उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस हो मतलब घनत बहुत ज़्यादा हो स्पीशीज़ का जहाँ पे वो जो एरिया होता है वो होता है हमारा उस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग सारी एच इफेक्ट बोलते हैं जहाँ पे कंपोजिशन स्पेशीज़ की काफ़ी ज़्यादा होती है निश्चय क्या होता है ये होता है यूनिक फंक्शनल रोल होता है किसी भी स्पेशी का इकोसिस्टम में मतलब कोई हर स्पेशी जो होता है ना किसी भी इकोसिस्टम में उसका एक अपना अलग काम होता है कोई दूसरा स्पेशी वो काम नहीं कर सकता है तो एक जो उसकी बायोलॉजिकल फिजिकल, केमिकल हर चीज़ के जो फैक्टर्स होते हैं जिस पर वो डिपेंड करता है या जिस पर उसकी लाइफ डिपेंड करती है या जो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा दिखता है इसकी केमिकल कंपोजिशन ऐसी है बायोलॉजी ऐसी है और पूरा का पूरा जो फैक्टर होता है ना उसको निशे बोलते हैं और हर स्पेशी का निशे बिल्कुल अलग होता है किन्नी भी दो स्पेशीज का निशे जो होता है वो एक जैसा नहीं हो सकता है तो टाइप्स कैसे होते हैं हैपिटाइट के बेसिस पे मतलब देखिए अगर जैसे डियर है ना अगर आप डियर को मान के जो कंडीशन डियर को रहने के लिए ज़रूरी होंगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कंडीशन कोई दूसरा ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जिसको एग्जैक्टली सेम कंडीशन चाहिए हो जिंदा रहने के लिए खाना हम कैसा खाना खा रहे हैं डियर क्या खा रहा है लाइंड क्या खा रहा है वो भी उसका एक नशे है वो उसका फूड तो हैबिटाट फूड रिप्रोडक्टिव फिजिकल और केमिकल करैक्टरस्टिक्स जो होती हैं वो एक नशे को डिफाइन करती है रिप्रोड्यूस किस तरीके से होना है कुछ एनिमल्स होते हैं गर्मियों के मौसम में रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ लोग सर्दियों में करते हैं कुछ विंटर्स में समर्स में बरसात के मौसम में रेनी सीजन में अलग अलग टाइम होता है रिप्रोडक्शन का उनके फिज़िकल कैसे दिख रहे हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है डी वगैरह कैसा है वो सब कुछ सबका वेरी करता है और उसको हम लोग बोलते हैं निशे अब हमारे डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स होते हैं बायोम्स क्या होते हैं तो बिल्कुल डिटेल में हम लोगों को आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे जो मैं आगे वीडियोज बनाऊंगी उसमें मैं बिल्कुल डिटेलिंग में एक एक पर्टिकुलर की हमारा डेजर्टिक बायोम कैसा होता है और पूरे सारे के सारे बायोम्स वो अलग से लिए जाएंगे शंकर शंकर बुक में भी आगे के चैप्टर्स में दिया हुआ है तो हम पहले शॉर्ट में देख लेते हैं तो टेरेस्ट्रियल पार्ट जो होता है बायोस्फेयर का अब पहले देखते हैं कि बायोस्फेयर है आगे मैंने समझाया हुआ है पहले अभी यहाँ पे छोटा सा समझाती हूँ जो एक जोन है ना जहाँ पे तीनों जैसे कि हाइड्रोस्फेयर एटमोसफेयर और टोपोस्फेयर मतलब सारे के सारे एक जोन ऐसा है बायोस्फेयर जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वो जो जोन होता है ना वो हमारा जोन उसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं एटमोसफेयर लीथोसफेयर हाइड्रोस्फेयर जहाँ पर ये तीनों के तीनों मिलते हैं आके वो वाला जोन होता है हमारा बायोस्फेयर तो ये हमारा जो बायोम है ये टेरेस्ट्रियल पार्ट के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एक्वेटिक पार्ट के लिए नहीं डिफ़ाइन करते हैं और इसको हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं किस किस करेक्टर्स पे एक होता है क्लाइमेट वेजिटेशन एनिमल लाइफ और सॉयल टाइप क्लाइमेट मतलब कैसा टेम्परेचर है और गर्मी है ज़्यादा सर्दी ज़्यादा होती है बारिश ज़्यादा पड़ती है उस बेसिस पे वेजिटेशन कैसे है प्लांट्स कैसे उग रहे हैं वहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से टाइप के रहते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है तो और ये आगे ये भी कहते हैं कि दो जो बायोम्स होते हैं कोई भी दो बायोम्स बिल्कुल सेम नहीं होते हैं और स्पेशली जो क्लाइमेटिक बाउंड्रीज़ है ना उससे हम लोगों ने बायोम्स को डिवाइड किया हुआ है तो देखिए ये जो फिगर है ऊपर जो है सबसे ज़्यादा वो ठंडा है कोल्ड है नीचे सबसे ज़्यादा गर्म है और एक तरफ ड्राई है बारिश कम पड़ती है एक तरफ वेट है बारिश काफ़ी ज़्यादा पड़ती है सबसे ऊपर जो हमारे पोलर एरिया है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है पोलर से कम होता है ठंडा टुंड्रा में फिर उसके बाद भुरियल फॉरेस्ट होते हैं फिर हमारे काफ़ी सारे डिवीज़न है कोल्ड से वॉर्म की तरफ आता जाता है तो हमारे कोल्ड डेजर्ट आ जाते हैं और क्योंकि ड्राई वाला एरिया है यहाँ पे इधर और यहाँ पे फिर हमारे वार्म डेजर्ट्स आ जाते हैं फिर प्रेरी और फिर टेम्परेट डेजर्ट पेरीज जो होती हैं वो ग्रास है हैं हमारे पेरीज पाई जाती हैं नॉर्थ अमेरिका में और कोल्ड डेजर्ट जैसे कि हमारा लद्दाख एरिया है वार्म डेजर्ट हमारा थार डेजर्ट जो है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ट्रॉपिकल एरियाज वो होते हैं जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से जब अगर हम लोग ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे या फिर ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो हमारा एरिया जो होता है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है तो ट्रॉपिकल एरिया में जो ग्रास लैंड उगता है वो होता है हमारा ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ये पूरा का पूरा सारे के सारे बायो हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे सवाना हमारे अफ्रीका में मिलता है और ट्रॉपिकल डेसीडस फॉरेस्ट इंडिया का काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट एरिया है जो मध्य प्रदेश में ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना बहुत कम बारिश होती है नॉर्मल नॉर्मल सी बारिश होती है पत्ते वत्ते भी झड़ते हैं तो वो ट्रॉपिकल डेसीडुअस होता है और टेम्परेट डेसीडस होता है जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा मतलब वो होता है ठंडा होता है वो टेम्परे डेसीडस फॉरेस्ट में आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हमारा हमारे अगर इंडिया में देखें तो आरबार एंड गोबार नॉर्थ ईस्ट में मिलता है और ब्राज़ील का एरिया अमेजोन एरिया अमेजोन जो रिवर एरिया है पूरा जो बेसिन बनती है वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ती है अब हम ये पूरा का पूरा वायम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे एक्विक जोनस कैसे होते हैं एक्वेटिक मतलब पानी से रिलेटेड वाटर एरियाज़ होते हैं और मेजर डिफ्रेंस बिटवीन वेरियस एक्वेटिक जोनस आर ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट जो एक्वेटिक पानी से रिलेटेड एरियाज होते हैं उनमें जो डिफ्रेंसेज आते हैं वो सेलिनिटी मतलब उसमें कितने ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है नमक कितना है उसके वेरिएशन पर भी हम लोग डिवाइड करते हैं उसको उसमें न्यूट्रियस कैसे हैं उसके बेसिस पर न्यूट्रियस मतलब जैसे कि जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है और बाकी सारी जो सॉल्ट्स हैं या जो चीज़ें प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होती हैं वो कितनी अवेलेबिलिटी है उसकी वाटर का टेम्परेचर कैसा है ठंडा है गर्म है नॉर्मल है सनलाइट पेनरेशन मतलब सनलाइट जो है सूरज की रोशनी वो कितनी अंदर तक उस वाटर एरिया में जा पा रही है उसके बेसिस पे भी एक्वाटिक जोन को हम डिवाइड करते हैं तो एक तो फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम होता है जिसमें हम लोग लोटेक और लेंटिक होता है तो लोटिक होता है मूविंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी अगर आप देखिए लोटा होता है अगर आप लोटे को टेढ़ा कर देंगे तो वो इधर उधर घूमने लगता है है ना मूव करता है एक जगह टिकता नहीं है तो आप लोटिक को लोटे से याद कर सकते हैं तो लोटिक मतलब मूविंग वाटर बहता हुआ पानी लेंटिक का मतलब होता है स्टिल वाटर आप कोई भी एक लर्न कर लीजिए कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टमी दो टाइप कौन से होते हैं वरना दोनों में कंफ्यूजन कंफ्यूज होते रहते हैं तो आप लोटे याद कर लो लोटे की तरह इधर उधर घूमने वाला मतलब मूविंग वाटर लेंटिक मतलब स्टिल एक जगह रुका हुआ पानी अब जो लोटे होता है वो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स होती हैं जैसे कि हमारी रिवर्स होती हैं जो हमारी नदियाँ होती हैं वो पानी बहती रहती है ना स्प्रिंग्स मतलब हमारे जो झरने होते हैं क्रीक्स होती हैं ब्रूक्स होते हैं ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये हमारा बहते हुए पानी के हैं तो लोटिक जो हमारा वाटर इकोसिस्टम है अब लेंटिक जो पानी रुका हुआ रहता है जैसे कि हमारे जो वाटर पूल्स होते हैं एक जगह पानी भरा हुआ होता है लेक्स में भी एक जगह पानी भरा हुआ होता है बॉक्स भी होते हैं और पॉन्ड्स ये सारे के सारे जो एग्ज़ैम्पल्स हैं वो तालाब से ही रिलेट करके देख लीजिए तालाब में पानी हमेशा भरा रहता है तो वो एक लैंडिंग इकोसिस्टम है अब मरीन एरिया के बारे में बताते हैं कि जो थ्री बाई फोर्थ है वो अर्थ का एरिया ओशन ही कवर करते हैं पूरा का पूरा मरीन एरिया ही है उसकी जो सिलानिटी होती है मतलब जो सॉल्ट कंटेंट होता है नमक का कंटेंट होता है वो होता है थर्टी फाइव पार्ट्स पर थाउजेंड से ज़्यादा जो होता है अगर तो वो हमारा मरीन इको में आता है और उसमें थर्टी फाइव पी में नाइन्टी परसेंट तो सोडियम क्लोराइड ही होता है थर्ड टाइप जो है हमारा इसका फ्रेश इको uh, का जो वाटर वाला इको है वो होते हैं हमारे एश्यूरीज़ अब एश्यूरीज़ में क्या आते हैं कोस्टल बेज आते हैं रिवर्स के माउथस आते हैं कोस्टल बेज जैसे कि जो हमारा कोस्ट वाला एरिया होता है कोस्ट वाले एरिया के जो जस्ट पास वाला जो पानी होता है ना जहाँ पे कोई एक रिवर और कोई फ्रेश वाटर बॉडी ओशन से जहाँ पर मीट कर रही होती है वो हमारा जो होती है ना वहाँ पे एशरीज़ होती है कोई भी किनारा रिवर के जो माउथ होते हैं वहाँ पे भी जो रिवर होती है वो ओशन से मीट कर रही होती है तो ये वाला जो एरिया होता है ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिशरीज़ मिलती है और फिशरीज़ मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है यहाँ पे फाइटोप्लैक्टॉन्स और जो प्लांट्स वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं तो हमें बायोस्फेयर के बारे में बताया गया है कि बायोस्फेयेयर में एक नैरो जोन है जहाँ पर एटमोसफेयर लिथोसफेयर और हाइड्रोसफेयर आके मिलते हैं और यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है यही पार्ट है जहाँ पे लाइफ इजीली एग्जिस्ट करती है जो बायोस्फीयर होता है वो एक्सट्रीम्स में एब्सेंट होता है जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो हमारा बायोस्फीयर है वो प्रेजेंट नहीं है और हाईएस्ट माउंटेंस में और डीपेस्ट ओशन में तो कहाँ कहाँ हमारा बायोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है यू में भी पूछा गया है स्टेट पी एस में भी पूछा गया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायोस्फेयर कहाँ का एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सट्री जो एक्सट्रीम्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है हाईस्ट माउंटेंस में और डीपेस्ट ओशन में में जो है हमारा बायोस्फीयर एग्जिस्ट नहीं करता है तो थैंक यू सो मच यहाँ पे हमारा जो शंकर आयस का है चैप्टर वन पूरी तरीके से एक एक चीज़ इसमें कंप्लीट हो गई है और आपको कोई डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा मैं बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी थैंक यू सो मच